धनगौरी वाले वाला। तो गाइस अभी हम लोग धनगौरी पहुंच चुके हैं, हम लोग ने दर्शन वगैरह भी कर लिए, नहा धो के फ्रेश हो गए, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ, सभी लोग है यहाँ पे फ्रेश हो चुके हैं जो कि खड़े हैं। हर हर महादेव, पंचमुखी की जय, पार्वती हर हर महादेव। तो गाइस अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर डुमन बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर उनके दर्शन करने जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डोमन शेष बाबा के दर्शन करने के लिए, तो हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो अभी हम निकल रहे हैं डोमन शेष बाबा के दर्शन करने। हर हर महादेव। अभी हम लोग डोमन शेष बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, देखिए ऐसा कुछ नाला नूले से क्रॉस होके जा रहे हैं, ये देखिए आगे रास्ता देख सकते हैं आगे। तो चलिए गाइस चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते साथ ही में। यहाँ पर आजू बाजू पूरा बम्बू का झाड़ है और उसके बीच से छोटा सा रास्ता गया है, उसी से हम जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग डोमन शेष बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दुकान वगैरह लगी है और बहुत सारे यात्रीगण बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए चल के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो गाइस आमचं दर्शन झालेलं आहे डोमन शेष बाबाचे, हे माझे मित्र आहे, आम्ही चाललो नागदोराले पाच पाच रुपयाची गपई मारून। हरुला हर महादेव। तो गाइस अभी हमारे यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आलमोस्ट के लिए, तो जो कि आपको दिखेगा आगे। तो हम लोग पता नहीं अभी आलमोस्ट हम जा रहे हैं, गाड़ी की है बुक, तो वहाँ से 300 रुपए पर सीट कैंडिडेट है, तो वहाँ से निकलते हैं गाइस आलमोस्ट के लिए। तो गाइस अभी हम लोग ये गाड़ी में जा रहे हैं आलमोस्ट, अब आगे बैठेंगे हम सभी दोस्त लोग, पीछे बैठेंगे बिल्कुल मस्ती करते हुए जाएंगे, पीछे बैठेंगे पीछे। एक नमन गिरजा पार्वती हर हर महादेव। गाइस अभी पाल बांध रहे हैं क्योंकि पानी तेज हो गया है, और देखिए अभी हम जंगल में अपन हो जाता है यार, फिर अपना काजली पहुंच जाएंगे आगे। सकुबाई कुठे चालली गावाली, सकुबाई कुठे? अरे बघा सेवा बघा, जंगल के बीच में मंगल करते हुए। गाइस अभी हम लोग जंगल में है, पाल बांध रहे गाड़ी में, देख सकते हैं पानी का थोड़ा मौसम बन चुका है, इधर मौसम बड़ा ही सुहाना हो चुका है। अरे बेटा मजा आ रहा कि नहीं? ये गाड़ी आ रही है गाइस इधर से,
खिलाएंगे एक बार। आर्यर देवरे माजा अभी हम लोग नारायण देव धाम आ चुके हैं, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। कैसा सीन है, बहुत ही अलग नजारा इधर का, तो चलिए देखते हैं। चल के देख सकते हैं कितना रिस्की है यहाँ पर, मगर व्यू देखो गाइस, क्या खतरनाक व्यू है इधर। काफी लोग है इधर। देख सकते हैं आप, ये नारायण देव जी का मंदिर है यहाँ पर चट्टान के बीच में। तो गाइस अभी हम लोग का नारायण देव के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, झरने वगैरह भी, बट रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि पैर वैर फिसले तो गिर भी सकते हैं। तो एक बार बोलो पंचम की गिर जा पार्वती हर हर महादेव। गिरीश कहाँ है भाई, आइए इधर, बिल्कुल हाँ दिख गया दिख गया। तो गाय गाय वो देखो जंगली जानवर, सीन देखो गाइस कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा सीन है। ये गाँव का घर, वाह भाई वाह 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 वाह। देखिए हम शायद कोई गांव में एंटर कर चुके हैं, और वो नियरिंग बाय वो पहाड़ हमारे को जाना है। अच्छा तो ये पहाड़ के पीछे जाना है हमको, जो सामने दिख रहा है। तो आम का पेड़ वगैरह है, काफी अच्छा लग रहा है इधर, मौसम सुहाना हो रखा है, बस हम जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो गाइस अभी हम लोग आलमोद गांव पहुंच चुके हैं, कि आज रात को हम लोग यहीं पे स्टे करने वाले, आज रात को यहीं रुकेंगे, खाना वाना यहीं बनाएंगे खाएंगे, और फिर कल सुबह रे हमारे जो यात्रा है उसको चालू करेंगे। तो अभी देखते कैसा कैसा सीन होता है इधर। तो अभी हम गाइस रूम देख रहे हैं, रूम मिले हम लोग आगे स्टे करेंगे। तो गाइस स्टे को हिंदी में बोलते हैं मुक्काम, मुक्काम करेंगे मुक्काम। गाइस तो ये है आलमोद गांव, देख सकते हैं इस तरह के से कुछ आलमोद गांव है, यहाँ पे हम लोग आज रात को स्टे करने वाले। तो चलिए आपको हम अपना कमरा दिखाते हैं। तो इस तरह का कुछ है गाइस, यहाँ पे रहने का सुविधा, एक गांव है और एक घर है किसी का, तो यहाँ पर हम लोग स्टे करने वाले। ये देखिए ये जगह में हम लोग रुक रहे हैं आज, खाना वाना भी इधर ही बनाएंगे, और आज रात को इधर ही सोएंगे। देख सकते गाइस इधर की घर के पीछे का नजारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल पहाड़ दिख रहा है पीछे,
गाइस हम लोग हैं अलमोद गांव में, आगे तो बोल। तो गाइस जैसे कि हम लोग अभी अलमोद गांव में है, तो चलिए इस गांव को थोड़ा सा घूमते वगैरह। चलिए गाइस थोड़ा सा देखते हैं, इस गांव को घूमते हैं, कैसा सीन है तो देखते हैं। देखिए गांव के आजू बाजू खेती लगी हुई है बढ़िया मस्ता, और ऊपर में पहाड़ है। क्या व्यू है यार, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे ना बहुत ही सुकून से रहते होंगे। देखिए गाइस सनसेट होने वाला कुछ देर में, खाना वाना भी बन रहा है अभी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर दुकानें वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर सब्जी वगैरह बिक रहे हैं, देख सकते इधर बहुत ही अच्छा नजारा है गाइस। तो अभी हम लोग घूमने ही निकले इधर, बहुत ही अच्छा लग। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग रात यहीं पे रुके थे जैसे कि आप लोग को बताया था। तो सुबह हो चुकी है, मैं फ्रेश वगैरह भी हो चुका हूँ, तो अब यहाँ से हम लोग पैदल यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो नजारा बहुत ही रंगीन होने वाला है, सुहाना होने वाला है, बहुत मजा आएंगी। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा सीन होता है। तो देखिए सभी लोग अभी जाने की तैयारी कर रहे इधर, तो अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर निकलते गए। एक नमन गौरा पार्वती हर 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 महादेव आर्य। हाँ ये देखिए सुबह का व्यू गांव का, अभी 8:15 बज रहे हैं। देखिए पूरा फॉगी फॉग, आगे पहाड़ है, पहाड़ तो दिख भी नहीं रहा गाइस, और व्यू देखो कितना प्यारा है। तो गाइज अभी हम लोग जैसे कि अलमोद गांव से निकल चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गाइज बहुत ही मजा आ रहा है, और वो गांव में गाइज कोई होटल वगैरह है नहीं, वहाँ पे हम लोग ने किसी के घर पे रुके हुए थे, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं वो गांव के, वहाँ पे हम लोग को रुकने का आसरा देते हैं। अगर वो गांव नहीं होता गाइज तो हम लोग भी शायद रात को कहाँ रुकते थे वो हमें भी नहीं पता। तो कॉपरेट किया करो उनके साथ, और बस दो कुछ दक्षिणा देना पड़ता है हमको उनके साथ। तो बहुत मजा आया गाइज, रात भर वहीं पे रुके, खाना वाना बनाए बहुत ही, और सामने का व्यू दिखा दो, बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस ये देखिए आप देख सकते हैं आगे पूरा कोहरा छाया हुआ है, आजू बाजू कुछ भी नहीं दिख रहा, सामने का पहाड़ भी नहीं दिख रहा है, बस चलते जाओ जहाँ तक के रास्ता दिख रहा है चलते जाओ। बहुत मजा आ रहा है गाइस, तो ऐसे पल पल की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। अरे बोला अरे महादेव और डबल 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 सबको बांट रहे हैं, बांट रहे लो गरीबो लाओ गरीबो ऐ मेरे को भी दे दो अरे पापा चिंटिया थैंक यू थैंक यू। पंचमुखी गिरजा पार्वती अरबला भक्तिम भाई, ये जोत क्यों जलाते हैं बीच बीच में? ये कपूर की जोत इसलिए जलाते हैं, एक अब तो अपना ऑक्सीजन लेवल जो अपने को नहीं मिलता है, तो कपूर से कैसे अपने को ऑक्सीजन मिलती है। अब जो कोरोना काल में जो सुने होंगे कि अपना कपूर अपने साथ में रहना चाहिए करके, और दूसरी बात कैसे ये जोत उस भगवान की है, उससे ये उतारने से जो अपने जो पैर ये जो दुखना है जो दुखते है सब चलते समय वो पूरा उसमें से कम हो जाता है। माता की गाइज अभी हम लोग जंगल में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं सतपुड़ा रिजर्व टाइगर जंगल है ये,
यहाँ से बाकी समय के लिए ये रास्ता बंद रहता है, मगर अभी यात्रा के लिए चालू की है और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा बैठ के बहुत थक गए क्योंकि फिर चलते आगे। देख सकते पैदल यात्रा का रास्ता कैसे छोटे छोटे से रास्ते है, बिल्कुल केवल एक ही पर्सन आ जा सकता है, दो भी नहीं जा सकते और हमें ऐसे निकलना है आगे। देख सकते हैं आप वो आगे से वाटरफॉल बह रहे हैं पहाड़ों के बीच से, देखिए दिखा। तो जीप से भी जा सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, पर पैदल चलने में बहुत मजा आता है। तो हमारा किरीज भाई आ रहा है अभी। हर यार तो गाइस अभी यहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। देख सकते क्या सीन है, पीछे पहाड़ है बिल्कुल वादिया सीन, देखो बहुत ही गजब। और यात्री आ रहे पीछे से भगत लोग, हर बुला हर महादेव। भाई साहब देखो गाइस क्या व्यू है इधर, देख सकते पहाड़ काट के यहाँ से रास्ता बना हुआ है जिप्सी वगैरह जाने के लिए। और ये देखिए क्या व्यू है, अभी हम लोग पूरे जंगल में, सतपुड़ा के जंगल में बीचों बीच, नीचे देख सकते हैं पूरी घाटी है। अरे देखिए अभी वहां से जीप आ रही है, देखिए जीप का पिकअप देखते गाइस, इतने बड़े चढ़ाव में कैसी चढ़ती है जीप, देखिए। गाइस जीप इसलिए जंगल में काम आता है बहुत, वो बिल्डिंग हुई खड़ी नहीं तो समझ जाओ सीधा इसे पहाड़ी पे नीचे खाई पे। सही बात है, सही बात है। कितनी मुश्किलियों के साथ हमें इस दर्शन करना पड़ता है, इस यात्रा का खड़ी चढ़ाई और खड़ी उतार, यानी एकदम एकदम से उतार रहता है, देख सकते हैं। दिखना चाहिए बोलते हैं। हाँ भाई दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। पकड़ लेता और ये देखिए जंगल में उसकी और उतारो उसको नीचे रास्ता बांध के गौरव जा रहे हैं अभी नींबू तोड़ने के लिए और पानी आ गया। पंजाब की गिरजा पार्वती हर बोला हर हर महादेव, पानी आ गया। तो गाइस अभी बारिश चालू हो चुकी थी इसलिए हम लोग ने गोमची लगा के जा रहे हैं, देख सकते हैं ऐसा यात्रा में गोमची लगा के जाना पड़ता है जब पानी आता है। तो हर यार सेवा सेवा मोगली भाई। तो अभी हम लोग श्रावण बांध पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छीकल है, बहुत क्या बहुत ज्यादा, तो बहुत हिसाब से आना पड़ता है। तो चलिए आपको श्रावण बांध के दर्शन करवाते हैं गाइस। देखिए गाइस कितना छीकल है इधर, ये देखिए ऐसा यात्रा होता है नागद्वार की। तो चलिए आपको श्रावण बांध के दर्शन करवाते है। गाइस देख सकते कितनी भीड़ है यहाँ पर, अभी हमको अंदर जाना है मंदिर में, तो चलिए चलते अंदर। तो गाइस देख सकते फिर से बारिश चालू हो चुकी है इधर, फिर से गोमची लगा के जा रहे हैं हम लोग। हर बोला हर वादे हर यार। तो गाइस देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं गोमची पहन के बिल्कुल, पानी भी आ रहा है। चलिए हरिहर का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हरिहर। तो गाइस अभी हम लोग पदम से द्वार के जो नीचे पहाड़ है वहाँ पहुँच चुके हैं, काजरी में है अभी हम लोग,
तो यहाँ पे हम लोग धूप वगैरह दिया वगैरह लगाते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो गाइस पानी भी आ रहा है और हम लोग आ चुके हैं अभी अक्षित वगैरह चढ़ाने के लिए। तो चलिए फटाफट से अक्षित चढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गेंडू है गेंडू। एक नमन गिरजा पार्वती हर 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 महादेव हर 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 हर। गाइस देख सकते हैं शॉप वगैरह लगी हुई है यहाँ पर और अभी हम लोग जा रहे हैं पद्म शेष द्वार जो कि भगवान का सबसे बड़ा द्वार है। तो उसकी चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही मजा आएगा अभी चढ़ने में और स्टे भी वहीं कर सकते हैं शायद हम लोग अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो। गाइस ये देखिए कितनी गहरी चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई है। गाइस ये देखिए कितनी ऊंची चढ़ाई है, इधर धीरे धीरे चढ़ना है। देखिए सभी लोग चढ़ रहे हैं। हरिहर 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 बोलते बोलते हमारा मोटिवेट हो जाते हैं और एनर्जी आ जाती है बॉडी में। गाइस देखिए मान्यता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लेके आते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं है, बड़े जंगल में देख सकते हैं। अभी साबूदाना खा रहे हैं हम लोग, पीछे साबूदाने का लंगर चालू है, कई यात्रीगण यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया सा एंजॉय कर रहे हैं। और पहाड़ है ऊपर, अभी ये पहाड़ चढ़ना है। हमारे साथ पप्पा भी है। कैसी खड़ी खड़ी चढ़ाई है, सभी भक्त लोग दर्शन करने आ रहे हैं। ये हमारे दादू हर्षल भाऊ, पप्पा, पिताश्री, हर 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 महादेव, सेवा भगवान, सेवा सेवा, देख सकते हैं। तो गाइस अपने मालक को देख रहा कह रहे बेटा ये क्या आ गया, आजा 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 चल जाएंगे दर्शन करने। आजा छोटा वो है चिगू चिगू, चल चल छोटा चिगू। बोलो चिंतामन बाबा बाकी जय महाराज की जय। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है यहाँ पे, लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। ये सभी दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं गाइस। अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे बैठे हैं, फिर हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो वो देख सकते हैं आप आगे पद्म शेष द्वार का मंदिर है। तो गाइस अभी स्टे यहीं पे करने वाले, टीम का शेड है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऊपर में। बस हमको यहीं पे रुकना है रात भर, देख सकते इधर खाने पीने का खाना बन रहा है, इधर यहाँ काम चालू है वेल्डिंग वगैरह का और यहीं पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। अरुला हर हर महादेव। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं पद्म शेष बाबा के दर्शन कर रहे हैं आप। जय हो पद्म शेष बाबा की जय हो। देख सकते हैं गाइस आप लोग यहाँ पर, ये हमारे पद्म शेष बाबा है, मेन दरबार, बड़े मालिक है ये। अभी साफ सफाई चालू है यहाँ पर, देख सकते हैं नीचे तो पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पर एक भी भक्त नहीं है। गिरीश है मेरे साथ और मैं हूँ, हम दोनों दर्शन करने हैं। बोलो हरिहर भगवान की जय। हो जय चिंतामणि बाबा की जय। बोलो पद्म शेष बाबा की जय। के दर्शन करने आया है इधर, देख सकते हैं पीछे चंदन शेष बाबा का मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते दर्शन करेंगे। पंचमुखी गिरजा पार्वती हर हर महादेव। आ जा चीकू, ये चीकू है, गिर जाता उठ जाता चल जाता। ऐसे अभी देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो भी वहां से शॉट ले रहे थे मंदिर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पहाड़ों देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं आगे दर्शन करते हैं। आप लोग यहाँ पर खाना बन रहा है, सब्जी और वहाँ पर रोटी बन रहा है। तो इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए कि जो इतने घने जंगलों में हमारे लिए खाना बनाते हैं यात्रीगण के लिए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत
तो गाइस अभी हम लोग को अंदर जाना है ऊपर, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तुलसी वृंदावन भगवान है वहाँ पर, तो उनके दर्शन करने जाना है, तो चलिए गाइस चलते हैं। और इधर का व्यू देखो, क्या व्यू है, प्यारा व्यू पहाड़ों के बीच में। अरे अरे गाइस देख सकते कैसे चढ़ना पड़ता है रस्सी की मदद से। देखिए एक आका इधर से आका है, आर्या देखना। ये देखिए कितनी कठिन चढ़ाई है, सिर्फ चढ़ने के लिए संकल वाली रस्सी है और ये कपड़े सादी रस्सी है और कोई सपोर्ट नहीं है, और सीधी सीधी चढ़ाई है देख सकते हैं। ये देखो पिता गाइस, देखो अभी पिता श्री आ रहे हैं। पापा आराम से, हाँ यूट्यूबर वाले के डैड, अरे यूट्यूबर वाले के पप्पा है ये, पापा वो आ रहे हैं धीरे धीरे आप। चलो अभी ऊपर चढ़ते हैं गाइस, इधर भी सीढ़ी है, यहाँ से भी चढ़ाई है गाइस। देखिए अभी वहाँ से चढ़े, अभी यहाँ से चढ़ना है। ये हमारे गाइड है देख सकते हैं, और सभी लोग का बहुत सहयोग है यहाँ पर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। हरिहर हरिहर गाइस, ये बोलने से मोटिवेशन मिलता है और हार्ट से हार्ट कठिन से कठिन पहाड़ चढ़ लेता आदमी। हरिहर हरिहर का इनके नाम में ही वो पावन है। हरिहर हरिहर गाइस देखो, देख लिए अब इधर नीचे देखो गाइस, इधर पूरा खाई है और इधर हमको पहाड़ से चिपक चिपक के चढ़ना है। चलिए गाइस चलते हैं। गाइस ये देखिए क्या नजारा है, इधर पूरे पहाड़ है और अभी हम टॉप व्यू में, टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको, बस इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो और पता नहीं क्या व्यू दिखेगा। तो देखो यहाँ से सारे के सारे पहाड़ दिख रहे हैं, निशानगढ़ भी दिख रहा है, वो देखिए सामने में निशानगढ़ का पहाड़ है, और देखो कितने सारे नजारे, और नीचे देखो गाइस गहरी गहरी खाई, और यहाँ बैठे हमारे ग्रुप मेंबर सभी। तो गाइस ये तुलसी वृंदावन भगवान है, तो इनको प्रणाम करते हैं। और यहाँ से व्यू देखो, देखो गाइस व्यू देखो, व्यू लोग कहाँ कहाँ आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, हाँ, और भगवान कहाँ कहाँ बैठते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, और हम आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो अभी पिताश्री यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और पीछे बैकग्राउंड देखो गाइस, बैकग्राउंड बज चुके हैं, और यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पर भक्तजनों के लिए लंगर वंगर चालू हो चुका है, तो चलिए आपको यहाँ की सुविधा दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पदम से द्वार, प्रथम द्वार में स्टे करने वाले आज रात को, देख सकते हैं यहाँ पर लंगर है, इधर है, ऊपर है, और जहाँ हम अंदर रुके हैं वहाँ पर भी है। चलिए चल के देखते हैं अंदर।
गाइस अभी आरती हो रही है, देख सकते हैं आप। ए तुम्हारा YouTube डायरेक्टर बाकी है रे? भाई अभी हमारे खाना खाने का टाइम हो गया, 8 बज चुके हैं। देख सकते हैं घने जंगल में कितना अच्छा खाना मिल रहा है हमको, दाल चावल सब्जी रोटी। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। 15 अगस्त की तैयारी हो रही है इधर, स्वतंत्र दिवस की, बाबा के बड़े मालिक के दरबार में यहाँ तैयारी हो रही है 15 अगस्त की। देखिए बलून वगैरह लगे हैं, झालर वगैरह लग रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। और हम लोग अभी यहाँ पर है, खाना वाना हो चुका है हमारा। अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और आरती वगैरह भी हो चुकी है। तो आज है 15 अगस्त, तो देख सकते हैं यहाँ की क्या तैयारी है। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे से सजाया गया है मंदिर को, झंडे वंडे लगाए हैं, बलून वगैरह लगाए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्र दिवस है, तो देख सकते हैं झंडा वंडा लगा के जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा स्वर्ग द्वार के लिए। पंचमुखी गिरजा पार्वती अरवला हर हर महादेव की जय, भारत माता की अरवला हर हर महादेव जय, जय मातरम मातरम। तो गाइस अभी हम लोग पश्चिम द्वार पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं इधर बहुत बड़ा गुफा है, झरना वगैरह है इधर बोलते, और ये सभी लोग आ रहे हैं। देखते कैसा सीन है अंदर का, बहुत अंधेरा है, पानी टपक रहा है ऊपर चट्टानों से, तो चप्पल यही उतार देते हैं। अभी हम लोग चट्टान के अंदर है गाइस, और पत्थर वगैरह देख सकते इधर। एक सेल्फी और एक फोटो लेना मेरी, हाँ तो वीडियो चालू ना लेता ना गाइस। इधर पानी वगैरह भी है गाइस, जहाँ पे चलना है। और वहाँ बैठे हमारे बाबा, तो दर्शन करने के लिए देखो हमको कहाँ कहाँ आना पड़ता है बाबा के। और यार
गाइस आप जगह जगह में देख सकते हैं हमारा प्यारा तिरंगा लहर रहा है 15 अगस्त के दिन सामने, वो भी ये जंगल में, घने जंगल में। तो आज का 15 अगस्त हम लोग यही घने जंगल में मना रहे हैं। देखिए ऐसा जाना पड़ता है छोटे छोटे रास्तों से, दुकानों से, बहुत सहायता देते हैं इन लोग, हमारी हेल्प करते हैं, नहीं तो जंगल में क्या मिलता, कुछ नहीं। पहले अभी तो इतनी फैसिलिटी, जो चाहिए वो मिल जाता है, जो खाना है वो खा सकते हो, बहुत मज़ा। तो हमारे ग्रुप मेंबर इधर बैठे हुए हैं हमारे वेट करते हुए। हाय ब्रो। तो गाइस अभी हम लोग स्वर्ग द्वार के लिए जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ी चढ़ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं सभी लोग। तो चलिए अभी चलते ऊपर। कहाँ जा रही हो अपन गधे में बैठ के? अरे ओ पुष्पा कहाँ जा रही हो अपन गधे? देख पूरा काला पीला हो गया ग्रीन। तो गाइस अभी रिफ्रेशमेंट के लिए नींबू पानी पी रहे हैं यहाँ पर, लो एक प्याला मारो। तो गाइस अभी नींबू पानी पी रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्वर्ग द्वार में। गाइस गौरव जा रहे हैं नींबू फेंकने के लिए, वो देखिए वो खड़ा है गौरव, देखते हैं उसका जाता है या नहीं। गाइज ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं स्वर्ग द्वार में, और स्वर्ग द्वार वाले बाबा अंदर विराजमान है गुफे में। तो देख सकते हैं आप दर्शन करने के लिए हमें कैसे जाना पड़ता है, सोते उठते बैठते हुए धीरे 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 करके हमको जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आगे वो भगत आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं एकदम कठिन परिस्थिति में, चलने के लिए बहुत कठिन रास्ता है यहाँ पर। तो आपको मैं स्वर्ग द्वार वाले बाबा का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए ये है स्वर्ग द्वार वाले बाबा, जय स्वर्ग द्वार वाले बाबा की जय। देख सकते हैं गाइस कैसे आना है और जा रहे हैं। तो गाइज अभी हमारा स्वर्ग द्वार के दर्शन हो चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं चिंतामणि बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जंगल के बीच में हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं पहाड़ों में। अभी हल्दीगढ़ जा रहे हैं, अभी हल्दीगढ़ जा रहे हैं, अभी गढ़ चलना चालू है, फिर चिंतामणि, ऐसा करते करते हम पूरे नाथ द्वार के पूरे दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग चिंतामणि पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, 5-10 मिनट में। देख सकते हैं टेंट वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर, बस कुछ ही दूर में चिंतामणि बाबा का दरबार है, वहाँ जाके दर्शन करते हैं। देखिए बारिश हल्की हल्की हो रही है, पूरा कोहरा छा गया है जंगल में, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पानी की थोड़ी कमी है बोलते, मगर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, जल्दी जल्दी दर्शन करके निकलना है हमें भी। तो गाइस अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और सीन देखो, तो कोहरा छाया हुआ है।
हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पर। ओस है ओस ओस गई देवी, हमको उधर जाना है। तो गाइस अभी हम लोग चिंतामणि पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं बाबा का, चिंतामणि बाबा का दरबार है सामने। चलिए गाइस अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। चल चल चलिए गाइस अभी यहाँ पे लंगर वंगर का कार्यक्रम है, पहले दर्शन कर लेते हैं फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यात्री गणों के लिए खाना भोजन बन रहा है। गिरजा भाई का चूड़ा हो, पानी आ रहा है अभी इसको अंडा लग गए गाइस, अभी दवाखाना लेके आई गिरीज को, दवाखाना है देखो गाइस, दवाखाना गिरीज अभी अंदर ही है गाइस। तो गाइस यहाँ पे मुफ्त उपचार होता है, यानी एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट फॉर यात्रीगण। और देख सकते हैं आगे आप, यहाँ पे सुबह सुबह झंडा वंदन हुआ है जंगल में, देख सकते हैं इधर। हल्दुशेष के दर्शन करने के लिए, वहाँ से होते हुए चित्रसाड़ा जाएंगे मंदिर, तो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको अभी कैसा व्यू है। तो गाइस अभी ये हल्दुशेष बाबा के दरबार आ चुके हैं हम लोग, काफी पानी आ रहा है तो हम लोग यही बाहर से दर्शन करते, बोलो हल्दुशेष बाबा की जय। तो चलिए गाइस अभी बाहर, तो गाइस अभी चलते है चित्रसाड़ा माता के मंदिर की तरफ ऊपर। गाइस अभी हमको ये पहाड़ में चढ़ना है, देख सकते कितनी खड़ी चढ़ाई है। हम लोग चित्रसाड़ा माता के मंदिर पहुंच चुके हैं, चित्रसाड़ा माता की गिरी में है अभी, देख सकते हैं यहाँ पर धागे का बांधने का प्रथा, यहाँ पे भक्त लोग धागे बांधते हैं और कई सारे दुकानें वगैरह लगे हैं पूजा पाठ के, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलिए हम अभी जाते हैं और दर्शन करते चित्रसाड़ा माता के। तो बाहर से एक बार व्यू दिखा दूं आपको गाइस, क्या व्यू है ये देखिए, पूरा व्हाइट ही व्हाइट है ये देखिए, पूरा फॉग ही फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, पूरा फॉग ही फॉग है। देख सकते हैं ये सामने, देख सकते हैं जो ये सामने वाला गढ़ है, ये नंदीगढ़ है, पूरा कवर हो चुका है, फॉग ही फॉग हो चुका है, देख सकते हैं आप, पूरा व्हाइट ही व्हाइट।
कोई नज़ारे नहीं दिख रहे अभी, देख सकते तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेट किया है चित्रशाला माता के मंदिर को। आज वैसे भी 15 अगस्त है, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए वाह भाई वाह, जंगल में ये सब चीज देखने को मिल रहा है, दिल खुश हो गया सब चीज देख के। इस बार का 15 अगस्त मैंने जंगल में ही मनाया हूँ, अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा। करा सेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। अभी हमारे चित्रशाला माता के दर्शन हो चुके हैं, तो अब हम लोग उतर रहे नीचे, फिर वहाँ से जाएंगे भजेगिरी, भजेगिरी से धूपगढ़, धूपगढ़ से पचमढ़ी, पचमढ़ी से पिपरिया, फिर पिपरिया से सीधा डायरेक्ट नागपुर। तो चलिए आपको दिखाते हैं रास्ते में रंगीन नजारे और सुहाने नजारे। भाई जी देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है सीढ़ी के लिए, तीन ही सीढ़ी है, तीन या दो, और इतने सारे लोग है तो बहुत सारी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे देख सकते कितने पब्लिक है जमा, ये सीढ़ी से उतरने के लिए हमको 2 घंटे लग गए, 2 घंटे की वेटिंग लगी, ऊपर खड़े रहे 2 घंटे तक के, तब जाके हम नीचे उतर रहे। अरे हर्षल बाबू आ रहे हमारे साथ में, आराम से उतर आराम से। ये दादू भाई है हमारे, ये उतर रहे। क्रिस का है, क्रिस का है, आ गए फाइनली। कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैं नहीं जाऊंगा। गिरीश भाऊ, अभी गिरीश भाऊ उतर चुके हैं सीढ़ी से, कैसा लग रहा है? बढ़िया। 2 घंटे तक खड़े रहने के बाद ठंडी ठंडी, चलो बेटा। 4 बजे गिरीश की भाई, ये देखो कितने ऊपर से झरना पानी गिर रहा है, देखिए। चलिए अभी चलते, जो अभी आपको झरना बताया ये वही झरने का पानी है, ये देखिए यहाँ से फिर से वाटरफॉल। ये तो बहुत है, यहाँ लोग नहा रहे हैं बैठ के एंजॉय करते हुए, और ऊपर से झरना आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी यहाँ पर कुछ खा पी लिए हम लोग ने, नाश्ता वगैरह हो चुका है भजागिरी में, और भजागिरी जो कि है फेमस है भजिए के लिए, यहाँ पे भजिए मिलते हैं बहुत, हर स्टॉल में आपको भजिए मिल जाएंगे,
तो ये भजिए के लिए बहुत फेमस है। तो अभी बिस्किट वगैरह खा रहे हैं हम लोग, फिर निकलते गाइस सीधा धूपगढ़ के लिए। अभी हम लोग धूपगढ़ में पहुंच चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं इधर धूपगढ़ वाले देवता। चलिए गाइस चलते हैं। गपई गाइस गपई गाइस, अभी शाम के 7:15 बज चुके हैं और हम लोग धूपगढ़ के इस चेक पॉइंट में आ चुके हैं जहाँ से गाड़ी वाड़ी आती है पचमढ़ी के लिए। तो अब गाड़ी वगैरह बुक करते हैं और निकलते हैं पचमढ़ी के लिए। तो गाइस अभी हम लोग पचमढ़ी के मेले में है, यहाँ पर देखते हैं हथियार बाजार है, ये प्रसाद बाजार, ये चद्दर बाजार, हाँ बहुत सारी चीजें मिल रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं और फिर निकलेंगे हम पीपरिया स्टेशन के लिए कुछ देरों में। ₹100 टी शर्ट, ₹100 टी शर्ट फ्री है, लेना मर्जी है। ₹100 ब्लैंकेट, ₹100। तो गाइस अभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं हम लोग, फिर निकलते हैं नागपुर के लिए।